यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। इस पर जाने के बाद यहाँ पे आ गया एड पोस्ट टू योर स्टोरी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलाउ करने का ऑप्शन है, चलिए मैं इसको अलाउ करता हूँ। अलाउ करने के बाद देखते हैं ये ऑप्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ पे देखते हैं ऊपर यहाँ पे तीन बिंदु है वो शो कर रहा है, देखते हैं गाइस यहाँ पे तीन बिंदु है वो शो कर रहा है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे देखते हैं यहाँ पे ड्रॉ और सेव का भी ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे रील्स वाले पर जाता है। रील्स वाले पर जाने के बाद आपको यहाँ पे अगर कोई भी रील्स आपको पसंद आ जाते हैं और आप चाहते हैं उस रील्स को अपने स्टोरी में सेव करें, तो वहाँ पे जो थ्री डॉट का ऑप्शन रहता है वो शो नहीं कर रहा है, तीन बिंदु का जो ऑप्शन आता है वो शो नहीं कर रहा है। चलिए मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम ओपन किया हूँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं इस रील को यहाँ मैं शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं एड रील्स टू योर स्टोरी पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे देखते हैं हमारा रील्स ओपन हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे देखते हैं कोने साइड में आपको यहाँ पहले आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन शो कर रहा था, वहाँ पे अगर आप क्लिक करते थे तो उस रील्स को आप डाउनलोड कर सकते थे और वहाँ पे एक ड्रॉ का ऑप्शन था। अब दोस्तों यहाँ पे जो थ्री डॉट का ऑप्शन है वो नहीं है दोस्तों, अब आप इसे कैसे इनेबल करेंगे? तो इसके लिए गाइस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये जो एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम इसको डिलीट कर देना है। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ मैं देखते हैं इसको मैं डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार पर चले जाना है। चलिए मैं यहाँ पे सर्च बार पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन डाउनलोड, आपको ये टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद यहाँ के ये वेबसाइट शो करेगी। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है इसको आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो इतना भी वर्जन होगा पूरा यहाँ पे शो करेगा। आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे देखते हैं ये भी है, यहाँ पे देखते हैं आपको कौन सा डाउनलोड करना है जिसमें ये फीचर आपको मिलेगा। ये ओल्ड वर्जन है दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को, वहाँ से ये जो ऑप्शन है हटा दिया गया है इंस्टाग्राम ने दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप अपना ओल्ड वर्जन इंस्टाग्राम डाउनलोड करेंगे तो उसमें ओपन करेंगे तो ये ऑप्शन हो आ जाएगा। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ आपको कौन सा डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर ये वाला 251, यहाँ पर देखते हैं 251 है, आपको इसी को डाउनलोड करना है। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके में ये फीचर मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे ये वाला दोनों में से अगर कोई भी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इन तीनों में आपको फीचर ए आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे अपने में डाउनलोड किया हूँ, चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ मैं थ्री डॉट पर जाता हूँ, यहाँ मैं डाउनलोड पर जाता हूँ। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपको शो कर रहा है देखते हैं इंस्टाग्राम, उसके बाद यहाँ पर 251 दोस्तों ये मैं डाउनलोड किया हूँ, चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपके मैं पूरा लाइव प्रूफ आपको सामने में यहाँ पे यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों, कोई भी यहाँ मैं कट नहीं करूँगा ये वीडियो में। देख सकते हैं यहाँ मेरा इंस्टॉल हो रहा है, चलिए मैं इसको इंस्टॉल होने देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे ओपन और डन का ऑप्शन है, चलिए मैं यहाँ पे डन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे देखते हैं मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे आ चुका है, चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। अगर आप फेसबुक से आपका कनेक्ट है तो आपको फेसबुक से अपना इंस्टाग्राम लॉग इन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे फेसबुक से यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से, इससे आपको यहाँ पे जल्दी से हो जाए प्रोसेस। से यहाँ पे जो है मेरा इंस्टाग्राम है वो ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे रील्स वाले ऑप्शन में चले जाता हूँ। इस पर जाने के बाद यहाँ मैं देखते हैं यहाँ पे रील्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब जैसे कोई भी रील्स को अगर मैं स्टोरी में अपने सेव करूँगा तो यहाँ सेव हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। इस पर जाने के बाद यहाँ पे आ गया एड पोस्ट टू योर स्टोरी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलाउ करने का ऑप्शन है, चलिए मैं इसको अलाउ करता हूँ। अलाउ करने के बाद देखते हैं ये ऑप्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ पे देखते हैं ऊपर यहाँ पे तीन बिंदु है वो शो कर रहा है, देखते हैं गाइस यहाँ पे तीन बिंदु है वो शो कर रहा है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे देखते हैं यहाँ पे ड्रॉ और सेव का भी ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। तो गाइस इस तरह से आप भी अपने इंस्टाग्राम में थ्री डॉट का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं दोस्तों। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर दोस्तों आपका कोई सुझाव हुआ तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।